दे हो, इसको तो तुम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, जुगाड़ वाले मेथड से कर सकते हो, करके देखते हैं क्या है। ये कहता है तीन रॉड है लेकिन मासेस अलग अलग है यार। तो एक रॉड है, एक रॉड है ये वाला जिसका मास, जिसका मास 3m है, और ये रॉड है जिसका मास m है, और ये साइड में रखा हुआ है इसका भी मास m है, इसकी भी लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है, इन तीनों का लेंथ इक्वल लेकिन मासेज अलग अलग है। तो इसका जो सेंटर आर्म मास है उसके मिड पॉइंट पे आया है l बाई टू पे, इसका सेंटर आर्म मास यहाँ आया है l बाई टू पे, इन दोनों का सेंटर आर्म मास यहाँ आएगा मिड पॉइंट पे, दैट इज l बाई टू पे। जो ये अब देखो, ये m था, ये m था, समझना, ये m था, ये m था, तो ये जो सेंटर आर्म मास ये बना, इस पॉइंट का मास कितना आ गया 2 कैपिटल m, और ये सेंटर आर्म मास यहाँ आएगा जिस जो 3 कैपिटल एम मास है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x हमें निकालनी है, और यहीं पे ओरिजिन ले लो, ठीक है, ये 0,0,0 ओरिजिन ले लो। तो ओरिजिन अगर लोगे तो ऊपर वाला ये गायब हो गया यार, ऊपर वाला गायब हो गया, ये ओरिजिन पे आ गया, और ये आ जाएगा 2m, और ये जो है वो माइनस एल बाई टू पर है, और डिवाइड कर दिया जाए 5m से, ठीक है, तो 2 ने 2 को, m ने m को, तो माइनस l बाई 5 पे नीचे की डायरेक्शन में आएगा, माइनस आएगा, तो l बाई 5 पर, दैट इज बी ऑप्शन सही है। उस तरह से फार्मूला लगाओगे तो भाई थोड़ा सा लंबा जाएगा, x वन बाई बाई एम वन, एम टू, एम थ्री, एक्स वन, एक्स टू लगाओ, तीन बार लगाओ, फिर y लगाओगे 0 आएगा। उस तरह से शॉर्टकट में देखो बहुत अच्छे से हो गया ना। चलो,